इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग करते हुए भाजपा को 8,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया है। वित्त मंत्री ने ईडी का इस्तेमाल किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, लोगों को, संस्थाओं को ईडी के माध्यम से ब्लैकमेल करने के लिए। गाय का मांस बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों से भी भाजपा ने अपने खातों में चंदे लिए, और इस पूरे काम को करने में मदद किसी और ने नहीं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की। सुप्रीम कोर्ट के अधीन एसआईटी गठन करके इसकी जांच की मांग की है, जेपीसी की मांग की है जांच की, और निर्मला सीतारमण जी को पद से इस्तीफा देकर तुरंत गिरफ्तार करने की बात की है। न्यायालय के आदेश पर वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। थोड़ी सी भी नैतिकता बचती हो तो निर्मला सीतारमण जी आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं। प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी हो, इन लोगों के इशारे पे ही वित्त मंत्री इतना बड़ा खेल देश में आर्थिक भ्रष्टाचार का कर रही थी। जय हिंद साथियों। केंद्र की भाजपा सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं और एफआईआर हो भी गई है। क्या आरोप हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पर? उन पे आरोप लगे हैं कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग करते हुए भाजपा को 8,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया है। वित्त मंत्री ने ईडी का इस्तेमाल किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, लोगों को, संस्थाओं को ईडी के माध्यम से ब्लैकमेल करने के लिए। ईडी इनकम टैक्स के माध्यम से रेड हुई, उन पे छापे मारे गए, और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड में उन्हीं लोगों से चंदा लिया गया और उनके सारे मामले, उनके खिलाफ मामले रद्द कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, और जो जेल थे फंड देने के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इवन कि यहां तक आया इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे में कि बीफ कंपनियों से, जी हां, गाय का मांस बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों से भी भाजपा ने अपने खातों में चंदे लिए, और इस पूरे काम को करने में मदद किसी और ने नहीं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी जी और जयराम रमेश जी ने सारे तथ्य सबूत रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधीन एसआईटी गठन करके इसकी जांच की मांग की है, जेपीसी की मांग की है जांच की, और निर्मला सीतारमण जी को पद से इस्तीफा देकर तुरंत गिरफ्तार करने की बात की है, क्योंकि ये सदी का देश का सबसे बड़ा महा घोटाला है। इससे पहले नोटबंदी करके अपने पूंजीपति मित्रों के काले धन को कैसे सफेद करके उन्हें फायदा पहुंचा के चुनावी चंदा अपने खातों में लिया, और अब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, जिसके खिलाफ तब के आरबीआई गवर्नर भी थे, वो लगातार बोले, चिट्ठी लिखी, और उन्हें आरबीआई गवर्नर के पद से इन्होंने हटा दिया, क्योंकि वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार, काले धन को सफेद करना, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गंभीर मुद्दों को उठा रहे थे, उन्हें हटा दिया गया। लेकिन आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। न्यायालय के आदेश पर वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। थोड़ी सी भी नैतिकता बचती हो तो निर्मला सीतारमण जी आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं, और हम मांग करते हैं इस भ्रष्टाचार की एक एक परत जो है वो खुलनी चाहिए, ताकि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, खाली वित्त मंत्री को दोष नहीं दिया जा सकता, साफ मालूम है कि भाजपा के बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी हो, इन लोगों के इशारे पे ही वित्त मंत्री इतना बड़ा खेल देश में आर्थिक भ्रष्टाचार का कर रही थी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।